बहुत अच्छा चांस मिला था कि ओलंपिक्स क्वालिफाई करना, और वो भी हमारी रैंक से सिर्फ एक रैंक ऊपर टीम है, और उससे पहले भी हम दो बार उनके साथ जीत चुके थे, तो उस चीज़ का पूरी टीम को भी कॉन्फिडेंस था। और जिस टाइम हम भी फील्ड में थे, मैच इतना क्लोज चल रहा था कि माइंड में कुछ नेगेटिव आ ही नहीं रहा था, थोड़ा प्रेशर था बट कि हाँ हमें करना है। स्टार्टिंग में जब हॉकी स्टार्ट की थी तब काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर काफ़ी स्ट्रगल होता था। जैसे मैं गोलकीपर हूँ, हरियाणा से हूँ, आपको पता है काफ़ी रश है हरियाणा में, लोकल बस में सफ़र करते थे, हर किट बैग साइज इतना बड़ा था कि बस वाला बिठाने को तैयार नहीं होता था। कंडक्टर भी कई होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, कई इतने रूड कि अपने आप ऊपर रखो, ये करो, ये चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। बहुत बार पापा को बोलती थी मुझे नहीं खेलना, बट मेरे ग्रैंड फादर चाहते थे कि मैं खेलूँ, वो काफ़ी खुश होते थे, उसी की वजह से मैं मोटिवेट होती गई और खेल। सबसे बड़ी बात तो मेरे लिए बलजीत मिलने से ज़्यादा, वो भी मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है, श्रीजेश भैया के साथ नाम नॉमिनेट हुआ है, वो मेरे लिए उससे भी ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं काफ़ी टाइम से उनको अपना, जैसे पिछले 3 साल से, काफ़ी टाइम से हम जानते हैं, बट जो पिछले 3 या 4 साल से वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हर दिन हम गोलकीपर यही सोचते हैं कि एक दिन हमारा भी ऐसा आए। काफ़ी कुछ, जैसे अभी साथ में कैंप लगा है तो काफ़ी अच्छा लगता है कि उनकी ट्रेनिंग देखने में या कुछ से दो से भी देखें, उसी से काफ़ी मोटिवेट होते हैं। जो परफॉर्मेंस, जैसे जो उस दिन परफॉर्मेंस थी, मेरी जो कोच है हेलन मैरी है, वो मेरे पीछे बैठे थे इटली वाले मैच वाले दिन भी। शूट आउट में थोड़ा गोलकीपर को प्रेशर आ जाता है, बट मुझे वो वही बोल रहे थे कि हमने बॉयज़ के साथ ट्रेनिंग की है, हमने ड्रैग फ्लिक है, शूट आउट है, तो तुझे ये सब नहीं सोचना कि तेरे सामने कोई कंपटीशन है, तुझे जस्ट प्रैक्टिस सोच के करना है। तो उसी हिसाब से कॉन्फिडेंस आता गया और काफ़ी अच्छा लगा, जैसे कमबैक हमने किया, वापस दिल्ली आए, जो उन्होंने हमारा वेलकम किया। तो हाँ, बिल्कुल कुछ नए नए नाम भी दिए थे, बट उस टाइम जब हम खेल रहे थे वो सब चीज़ें माइंड में नहीं थी, बट हाँ पूरी टीम का उस चीज़ से कॉन्फिडेंस, हम स्टेप ऊपर आए हैं। जैसे अभी जो हमारे न्यूजीलैंड में जो परफॉर्मेंस रही है, जितना हम सोच के गए थे उतनी अच्छी नहीं रही टीम की, और काफ़ी प्लेयर्स हमारे इंजर्ड भी हो गए थे। जैसे इंजर्ड में भी 2 प्लेयर्स को हम उनका रिहैब करके साथ में लेके गए हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा सा आके उस चीज़ का सबने रियलाइज़ किया। हमें 5 दिन का ऑफ दिया गया कि जैसे भी बाहर जाओ, मूवी देखो, कैसे भी अपने आप, मतलब इस टूर्नामेंट को भूलो, सीखना है हमें, बट इस चीज़ को भूलना भी उतना ही, क्योंकि बहुत कम टाइम है। इस चीज़ को लेके अगर हम ऊपर जाएंगे तो परफॉर्मेंस और डाउन आएगा, बट वही लड़कियाँ वापस, क्योंकि पता है फर्स्ट टाइम हम ओलंपिक्स में जा रहे हैं, हमें पता है कि सामने कितना बड़ा कॉम्पिटिशन है, तो उसी चीज़ के लिए हार्डवर्क कर रहे हैं।